दोस्तों, अगर आप सिंगापुर के ड्रीम कोच में जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं जो कि आपको क्रूज में बोर्ड करने से पहले करना होता है। तो चलिए देखते हैं। मेरा नाम है अमित और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, सिंगापुर के ड्रीम क्रूज में जाने के लिए आपको मैरीना बे क्रूज सेंटर में जाना होता है। वहां पर जाने के बाद में जो मेन एंट्री होती है, वहां पर सबसे पहले एक क्यू होती है। उस क्यू में उन लोगों को लगना होता है जिनका कुछ चेक इन बैगेज होता है। अगर आपका कोई चेक इन बैगेज नहीं है और केवल आप कैबिन बैगेज लेके चल रहे हैं तो आपको बाहर की जो एंट्री के टाइम पे जो एक लाइन होती है, क्यू लगी होती है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है और आप डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद में आपका सिक्योरिटी चेक होता है। वहाँ पे आपको पासपोर्ट, वीज़ा और दूसरे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और आपके पास में जितने भी सामान होता है, कैबिन बैगेज होता है, वो सारा एक सिक्योरिटी स्कैन से गुजरता है। वहाँ से उसको पास होना होता है। वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में फर्स्ट फ्लोर पर एक एंटिंग ड्रीम का काउंटर होता है। वहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट की डिटेल देनी होती है और वो वहाँ से एक बोर्डिंग पास बना के आपको देते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि सिंगापुर एयरपोर्ट पर जब आप आते हैं, एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर एक इमिग्रेशन स्लिप आपको मिलती है। वो स्लिप यहाँ पर चाहिए होती है, इसलिए उस स्लिप को संभाल कर रखें। एक बार जब आप डॉक्यूमेंट देते हैं तो ये डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में आपको आपका बोर्डिंग पास दे देते हैं। बोर्डिंग पास मिलने के बाद में आपको वापस से ग्राउंड फ्लोर पर आना होता है। ग्राउंड फ्लोर पर इमिग्रेशन का प्रोसेस होता है। इमिग्रेशन प्रोसेस में वही सब चीज़ें होती हैं, आपके फ़ोटो ली जाती है, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। वो सब प्रोसेस करने के बाद में आपको क्रूज़ में जाने की परमिशन दे दी जाती है। इसके बाद आप क्रूज़ पर जा सकते हैं। जब आप क्रूज़ के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पर आपको वापस से आपको आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास दिखाना होता है। आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास देखने के बाद में आपका पासपोर्ट रख लिया जाता है और उसके बाद एक डिजिटल रूम की जाती है। ये रूम की हर एक मेंबर के लिए अलग होती है। मतलब अगर आपके रूम में तीन लोग रुक रहे हैं तो तीनों को एक सेपरेट रूम की दी जाएगी और तीनों के पासपोर्ट रख लिए जाते हैं। ड्रीम क्रूज पर आपका ट्रिप कंप्लीट करने के बाद जब आप चेकआउट का प्रोसेस करते हैं, उससे पहले आपको अपना ड्यूज क्लियर करना होता है। जब आप पूरा अपना ड्यूज क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में आपको आपका पासपोर्ट वापस कर दिया जाता है और आप वापस आप अपने एग्जिट पे जा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है कि आप जेंटिंग ड्रीम क्रूज के अंदर कैसे जाएंगे उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ड्रीम क्रूज के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, रूम का साइज कैसा है, आपको क्या क्या खाना मिलता है और आप किस तरीके से ड्रीम क्रूज बुक करा सकते हैं और मैंने कितना खर्च किया ड्रीम क्रूज पर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।